जी हाँ जी जी बाजू जी 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 बेटे, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। नडी, आज कुछ नसीहत मौज बात बताएंगे। आज की नसीहत मौज बात कुछ यूं है कि जनाब, समंदर, सी, समंदर बहुत बड़ी पावर है, ताकत है। समंदर में फैमिली गई पिकनिक के लिए, वह एक छोटा बच्चा था, वो साहिल समंदर पे खड़ा था, तो उसके पाँव से एक जूती का जो पायर है ना निकला, तो समंदर के अंदर चला गया। बच्चे ने समंदर के रेत के ऊपर लिखा कि समंदर चोर है, वो मेरी जूती ले गया है। समंदर क्या है? चोर है। इसी तरह एक फैमिली आई हुई थी, उनकी उसका एक जवान बेटा था, वो नहा रहे थे समंदर में, तो वो बच्चा जो है ना पानी में डीप चला गया और वो मर गया। औरत जो थी, वो औरत जिसका बेटा था, उसने लिखा समंदर कातिल है। क्या लिखा? समंदर कातिल है। समंदर कातिल है। वहीं समंदर पे एक बुजुर्ग आदमी चल रहा था, चलते चलते जनाब उसको एक वो जो सीप होती है ना, जैसे सीपियों की तरह से होती है, वो मिला। उसके अंदर कीमती मोती था, तो उसने कहा कि समंदर दानी है, मतलब कि इतने दौलत सारा जवाहरात मिल रहे हैं। कुछ देर के बाद ये सारी चीजें लिखी हुई थी समंदर की रेत के ऊपर कि समंदर चोर है, समंदर कातिल है, समंदर दानी है, और हर कोई अपने हिसाब से ना समंदर के बारे में कमेंट्स करके लिख रहा था। समंदर में से एक बहुत बड़ी लहर, मौज पानी की आई और एकदम रेत से उसको बहाती हुई ले गई, और जो कुछ सब कुछ लिखा हुआ था वो मिट गया। तो कहना यह है कि समंदर के बारे में आप जो समझते हैं करते रहें, समंदर ने वही कुछ करना है जो वो चाहता है करना, वो जो अपने आप को समझ, आप जो भी उस समंदर के बारे में सोच रही हैं समझते हैं, लेकिन समंदर आपके बारे में नहीं सोचता, वो कहता है मैं समंदर हूँ। तो इसी तरह अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो इंसानों की बातों को माइंड में ना लाएं, आप समंदर हैं। समंदर के रेत में तो लोग लिखते हैं आप चोर हैं, आप डाकू हैं, आप जवारी हैं, आप अनपढ़ हैं, आप काबिल ही नहीं हैं, लेकिन आप अपनी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को समंदर समझें, और समंदर जो है ना ये छोटी मोटी बातों को बहा के ले जाता है, तो आए और बहा के ले जाए और अपने आप को समंदर बनाए। जनाब आज का यही पैगाम है, जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।